एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम बहुत सारे बच्चे का अब तक यानी हो चुका है और बहुत सारे बच्चे का अभी तक नहीं हुआ है। तो जिसका हो गया है आप अपना आंसर की मिला सकते हैं कि आप यानी कितना क्वेश्चन आंसर सही करके आए हैं, और जो बच्चे का नहीं हुआ है वो अच्छे से यानी नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, जाकर के आप आराम से चुपचाप छाप दीजिए, क्योंकि यही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डेट पर जो एग्जाम कंडक्ट होता है, तो इसलिए आपको ये पहले क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है। जो बच्चे का नहीं हुआ है तो आपके लिए वाह वाह है, क्योंकि ये ही आपका सेम टू सेम पेपर होने वाला है। कोई इसको एडिटिंग फिडिटिंग आपके सामने कुछ करके नहीं ले आकर के आए, ये आपका ओरिजिनल जो है सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो 2022 का, जो चाहते हैं कि आप यानी सेंटअप एग्जाम को क्वालिफाइड करें। तो डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल चुपचाप आराम से इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए, जाकर के छाप लीजिएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसके बाद हमें एग्जाम देकर के आकर हमें कॉल कीजिएगा कि सर आप झूठ बोल रहे थे, आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से जाकर के, ठीक है। तो चलिए, आप लोग सबसे अच्छे सबको बता दें कि आप लोग अच्छे से यानी इसको नोट कर लीजिएगा। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, सोच शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री का भी हम लोग यानी कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, ये सेंटअप एग्जाम का है आपका। चलिए तो आगे देखते हैं, ये सारा चीज आपका रहेगा, ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा चीज आप लोगों को इसके बारे में पता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, यानी मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, और आपको पता है कि मोहनजोदड़ो यानी सिंधी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सिंधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, राय बहादुर दयाराम सानी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था। जितना क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़वाए हैं वही सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, राय बहादुर दयाराम सानी ने कहाँ का उत्खनन कराया था, तो ये आपका हड़प्पा का करवाया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही है, तो इसका आंसर भी आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कैसे यानी कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है, तो इसका आंसर आपका कांस्य युग, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु घाटी के निवासियों को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था, सोना का नहीं था, चांदनी का नहीं था, लोहा का, तांबा का। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि लोहा का जो है उसे ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन सा था, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें अगर, तो आप लोगों को पता है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, क्योंकि वहाँ जो है अन्नागर भी मिला था, अस्नानागरी घर भी मिला था वहीं, ठीक है। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपको अभी हम यहाँ फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम नहीं समझा सकते हैं, यहाँ सिर्फ आपको जो आंसर आपका है उसी आंसर को आप अच्छे से टिक कर लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम हूबहू आपका यही पेपर रहेगा 100% आपको हम कह रहे हैं। बस आपको ABCD करके उतार लीजिए, चाहे आप यानी उसका आंसर को याद कर लीजिए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज में है, सरस्वती, आपका रावी, सिंधु। तो देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि सिंधु नदी के किनारे, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका ABCD करके भी उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पता है आपको, रावी नदी के किनारे, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। तो देखिए, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है, तो बिल्कुल आपको पता है कि 13वां शिलालेख से जो है अशोक का यानी पता चलता है, तो इसका आंसर आपका 13वां, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है। तो देखिए, समुद्रगुप्त का वर्णन की अगर बात करें तो ये पर्याप्त प्रशासित में है, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, इंडिका की रचना यानी किसने किया था, यानी इंडिका की जो रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, ये भी आप लोगों को पता है कि मैगस्मिथ के द्वारा यानी इंडिका की रचना किया गया था, कौटिल्य के द्वारा यानी अर्थशास्त्र का रचना की गई है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 11 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार जो है किसका पुत्र था। तो बिल्कुल आपको पता है कि यानी मौर्य वंश का संस्थापक जो था यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम था बिंदुसार का पुत्र का नाम था यानी अशोक, आप लोगों को पता है, जिसका अशोक यानी धम्म जो है प्रचलित है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या होगा, क्या कहलाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को यानी पराजित कर यानी गद्दी हासिल की थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को यानी पराजित किया था। तो जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश को यानी पराजित कर दिया था, किसको, यानी नंद वंश का, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था नंद वंश का, जिसको हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा था, उसका नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोगों को पता है सबसे बड़ा यानी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा यानी ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बौद्ध धर्म का। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बौद्ध धर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, मगध की राजधानी के बारे में आप लोगों को एब्सोल्युटली पता है कि मगध की राजधानी जो है कहाँ पे, यानी राजगृह में, तो इसका आंसर आपका राजगृह है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नालंदा महावीर ने किसने बनवाया था, यानी नालंदा महाविद्यालय, यहाँ आपका महावीर हो गया है, महाविद्यालय जो है किसने बनाया था। तो आप लोगों को पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो है
कुमार गुप्त के द्वारा यानी बनाया गया था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कुमार गुप्त विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 16 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक यानी कौन थे। तो देखिए अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों को पता है कौटिल्य, अगर कौटिल्य ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको चाणक्य अगर दिखेंगे तो चाणक्य में आपको टिक कर देना है, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुई है, तो महाभारत के बारे में आप लोगों को पता है कि महाभारत की भाषा जो है संस्कृत भाषा में हुई है, जिसका युद्ध यानी 18 दिनों में तक चला था, यानी कहाँ पे, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच ये लड़ाई हुई थी। शल्लेख किस धर्म का मृत्यु विद्वान है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म, वैष्णव धर्म है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी। देखिए अशोक द्वारा जो कुल मोटा मोटी स्तूप बनाया गया था 84,000 बनाया गया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए बुद्ध के बचपन का नाम आप लोगों को पता होगा, बुद्ध के बचपन का नाम यानी सिद्धार्थ था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सिद्धार्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म बौद्ध यानी प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो आप लोगों को पता है प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के काल में हुआ था, तो इसका आंसर आपका अजात शत्रु यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हीनयान तथा महायान जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए हीनयान और महायान जो है ये किस धर्म से नहीं था, फटाफट कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। एब्सोल्युटली राइट आंसर इसका हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी बौद्ध धर्म विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी महावीर का जन्म जो है आपका यानी कहाँ पे हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता है कि लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर नहीं महावीर का जन्म जो है आपका यानी पावपुरी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, फटाफट आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, कि त्रिपिटक जो है संबंधित यानी किससे है, तो देखिए त्रिपिटक जो आपका यानी तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित आप लोगों को पता है कि इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबर का शासनकाल क्या था। देखिए आप लोगों को पता है कि अकबर का शासनकाल के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि 1556 से लेकर 1605 तक आया था, और 1605 के बाद जो उसका बेटा 1605 से लेकर यानी 1627 तक यानी जहांगीर यानी गद्दी पर रहा था, कौन रहा था, जहांगीर। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि अकबर का बेटा का नाम क्या था, जहांगीर था, ठीक है। दस्तूर क्या था, 26 नंबर क्वेश्चन क्या था, दस्तूर क्या था, भूभाग था, कृषि कर था या सैन्य कर था, तो आप लोगों को बताना सैन्य कर था या आपका कृषि कर था, इन दोनों में से राइट ऑप्शन फटाफट कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मतलब संसद किस यानी जो है संसद किस धातु से बना सिक्का था, तो देखिए संसद के बारे में आप लोगों को पता है कि पित्तल है, कहीं कहीं आपको पित्तल दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं तांबा दिया हुआ रहता है, तो जहां आप इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसका आंसर पित्तल ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके इसका स्क्रीन पर आ गया 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। देखिए भारत में जो है तंबाकू का पौधा जो लाया गया था यानी पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा यानी पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया था, देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किया था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे तुझके जहांगीरी की रचना यानी किसने की है। देखिए तुझके जहांगीरी के बारे में आप लोगों को पता है, तुझके जहांगीरी की रचना जो है जहांगीर ने किया था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो देखिए ताजमहल का निर्माण के बारे में आप लोगों को पता है, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका शाहजहां विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या गया, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे, यानी मुगल दरबार में जो अभिवादन का तरीका था यानी कौन सा था, कौनिश था, सिजदा था, पायबस था या इनमें से सभी था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा, सिखों के 10वें गुरु यानी कौन थे, तो देखिए सिखों के 10वें गुरु जो थे यानी गुरु गोविंद सिंह थे, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यानी किया गया है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जामा मस्जिद जो है ये कहाँ पे स्थित है, बिल्कुल आप जामा मस्जिद के बारे में पता है कि दिल्ली में जामा मस्जिद सबसे बड़ा यानी मस्जिद है जामा मस्जिद भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, कि जहांगीर का शासनकाल यानी कब था, यानी जहांगीर का शासनकाल जो है कब से कब तक का था, आपको हम बताएं कि 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का था, अकबर का बेटा का 1605 से लेकर 1627 तक था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो देखिए घाघरा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद लोधी के बीच हुआ था यानी, और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था, तो बाबर ने जो है महमूद लोधी को यानी हरा दिया था, तो इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अफगान और किसके बीच हुआ था यानी, ठीक है, मुगलों के बीच हुआ था यानी किसका, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है 1576 में लड़ा गया था, और 1527 में जो आपका यानी कौन सा युद्ध हुआ था आप लोग बताएं कमेंट करके,
1527 में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि तानसेन किसके दरबार में पर्याख्यात गायक थे। तो तानसेन जो थे यानी किसके दरबार में थे, तो बिल्कुल आपको पता है कि यानी अकबर के दरबार में थे और ये नवरत्न भी थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, तालीकोट का युद्ध यानी कब हुआ था। तो तालीकोट का युद्ध जो है आपका यानी पता होना चाहिए 1536 में, 1548 में, 1550 या आपका 1565। तो देखिए इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे आ रहे 1565 बता रहे, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी कब हुई है, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में आप लोगों को पता है और ये कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, मतलब किसने इसका स्थापना किया। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में किया था और किसने किया था आप लोगों को पता है, ठीक है, हरिहरन बुक्का ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तेनालीराम का संबंध जो है किस साम्राज्य से, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका विजयनगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एंड तक देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको यही पेपर आपका देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलेंगे तब आप हमें कॉल करके बताएंगे, आपको नंबर भी दे देते सर कि आपका सवाल क्वेश्चन जो है नहीं आया था, आप हमें इस नंबर पर कॉल कीजिएगा कि सर आपका नहीं आया था, आपका सेम टू सेम हूबहू यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त को जो भी है हेल्प हो जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है, तो इसका आंसर आपका विजयनगर साम्राज्य से। देखिए आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करके इसको लेकर के आए, तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को आप लोग जरूर शेयर करें। ठीक है, अमुक्तलावाद किसने लिखा था, तो देखिए अमुक्तलामालियात जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल आपको पता है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या कहलाता है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो देखिए गोपुरम से आपका यानी क्या समझते हैं, मंदिर के प्रवेश द्वार से, गायक का प्रकार या भूमि राजस्व का प्रकार या आपका नृत्य की एक शैली। तो देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे गोपुरम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर की यात्रा करने वाला पहले विदेशी यात्री कौन था, तो देखिए विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहले विदेशी यात्री निकोलो कोंटी था, जो देवराय प्रथम के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था, तो अफनासी निकेतन के बारे में आई होप आप लोगों को पता है कि रूस के निवासी थे, कहां के थे, यानी रूस के थे, तो इसका आंसर आपका रूस विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए तुलु वंश के संस्थापक के बारे में बताया कि इसका जो वीर नरसिंह राय थे, यानी इसका संस्थापक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, हम्पी को यानी यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल यानी घोषित किया था, तो बिल्कुल आपको कहीं कहीं 1983 दिया हुआ रहता है, लेकिन 1983 नहीं होगा, 1986 इसका आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे देखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, यानी विरूपाक्ष के मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी हम्पी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि कबीर किसके शिष्य थे, तो देखिए कबीर के बारे में आप लोगों को पता है कि वो रामानंद के शिष्य थे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रामानंद, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, तो ये जो आपको पता है कि ये जो है किसके उपासक थे, यानी विष्णु के उपासक थे, तो इसका आंसर आपका विष्णु, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 52 नंबर क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल आपको ये आगरा नहीं होगा, गलत यहाँ ऑप्शन टिक किया है, तो इसका आंसर आपका फतेहपुर सिकरी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका यानी खालसा पंथ की स्थापना जो है कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको खालसा पंथ की स्थापना के बारे में पता है कि ये 1699 में को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे कबीर का जन्म यानी कब हुआ था, तो देखिए कबीर का जन्म आप लोगों को पता है कि कबीर का जन्म जो है 1500 यानी 60 समथिंग में कुछ हुआ था, लेकिन ये इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये कोई ऑप्शन इसका नहीं होगा, लगभग वो जो है 1540 ऐसे समथिंग में कुछ मतलब हुआ था, यानी ठीक है, तो लेकिन ये ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किताबुल यहला में किसका यात्रा वृत्तांत है, देखिए अलबेरूनी का है, अब्दुल रज्जाक का है, बर्नियर का है, इब्न बतूता का है, तो देखिए आप लोगों को पता है किताबुल यहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इब्न बतूता का, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी किस इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 57 देखिएगा, फायहान किस देश का यात्री था, तो बिल्कुल आपको पता है फायहान के बारे में, तो फायहान जो था यानी चीन के थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, सिद्धू कन्हू किस विद्रोह के नेता थे, तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि सिद्धू एंड कन्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे, तो इसका आंसर आपका संथाल विद्रोह, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था, आप लोगों को पता है कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 को यानी हुआ था, यह सराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा था यानी किससे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल आपको पता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है जुड़ा हुआ है यानी कार्नवालिस कोड से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट
राइट आंसर है। और आप लोग को एक चीज बता दें कि आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि 85 क्वेश्चन तो आपको बनाना है, मतलब 100 में से आपको यानी 85 क्वेश्चन का यानी आंसर आपको एमआरसी पर देना है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत चाहिए, बस 60 क्वेश्चन तक आपको कवर करवा दिए हैं। अगर चाहते हैं कि आपको ये सब भी करवा देंगे, देखिए वेबकट की नीति हड़प नीति किसकी नीति है यानी किसकी नीति थी, तो ये आपको पता है कि डलहौजी का था, तो इसका आंसर आपका डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था, तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन यानी पुर्तगाली था, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 50 मात्र आपको करना है। तांटे टोपी को फांसी की सजा कब दिया गया था, तो ये सब जो है क्वेश्चन आपका यानी बाद में आपको हम कवर कर देंगे, लेकिन अभी आपको 85 क्वेश्चन तक ही जरूरत है, तो 50 क्वेश्चन आपको एमआरसी पर आपको टिक कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करके ये सारे वीडियो आपको हम प्रोवाइड किए, तो ये क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड किए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ कि आप लोग अपने दोस्तों को, एक एक दोस्त अपने अपने फ्रेंड्स को, 10-10 फ्रेंड्स को आप लोग शेयर करेंगे प्लीज़, जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।